हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ एक नया सा वीडियो के साथ। मैं सिर्फ आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ हमेशा की तरह एक नया सा वीडियो में आपका सिक्योग्रेशन में, और हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया नया आइडिया आपके लोग सभी के पास लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसा भी कुछ एक नया सा आइडिया आप लोग के पास लाता हूँ जो की आपको बहुत सारे हेल्पफुल होने वाला है, और आप इसको घर पर एक बड़े आसानी से बना सकते हैं। और काफी ज्यादा लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया जो आपने जो दिखाया था, जो चीज दिखा रहे हैं, जो की कुछ कुछ मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, कुछ कुछ मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो क्या करें, सिचुएशन में हम कैसे हमारा प्रोजेक्ट को अपडेट करें या किस प्रोजेक्ट आपको बनाए। तो मैं आज ऐसा वाला वीडियो आपके पास लेके आया हूँ जो कि अभी मार्केट फिलहाल मार्केट में अभी चल रहा है। मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखेगा मैंने से एक टेस्टर बनाया था जो कि आप झालर लाइट को टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें से मैं जीरो पावर का बोल लिया था क्योंकि तो फिलहाल वो क्या होता है कि अभी उसका जो मार्केट है वो बंद हो गया है अभी, और उसके जगह पे आ चुका है ये वाली एलईडी। देख पाए दोस्तों, ये है 0.5 वाट की एलईडी अभी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने आपको इसी वीडियो में भी बताया था वो अभी मार्केट में किसी किसी दुकान में मिल रहा है, अगर वो नहीं मिलता है तो आप इस वाली को भी रेफर कर सकते हैं। तो इस वाली एलईडी से आप किस तरह से आपका झालर टेस्टर बना सकते हैं, आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम दिखाएंगे कि वैरायटी ऑफ एलईडी, जैसे कि मेरे पास ये वाली 0.5 वाट की एलईडी है, और उसके साथ भी आपको आता है 9 वाट की एलईडी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाली जो एलईडी है इस वाली को आप यूज कर सकते हैं, आपकी 9 वाट की एलईडी आती है। तो इस टाइप की एलईडी से भी क्या आप आपके झालर का टेस्ट कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, इसकी पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। छोटी सी वीडियो है, बस ट्रिक आपको दिखा रहा है कि वैरायटी ऑफ एलईडी बहुत से आप किस तरह से भी अपना झालर को टेस्ट कर सकते हैं, आपके घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको 50-60 रुपए में पड़ जाता है और ये आपको लगभग 100 रुपए का पड़ जाता है, ये वाली बोर्ड आराम से आपके घर में अवेलेबल रहेगा। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी झालर लाइट को अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले दो बात को जानकारी आपको रहनी चाहिए। आपका पहला होता है एसी लाइन, एसी लाइन में आपका फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। उसके बाद आपका जो होता है डीसी लाइन, डीसी लाइन में आपका प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। ये दो बातों का जानकारी आपको रहनी चाहिए, ये दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप एलईडी लाइट का सीरीज को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना एसी लाइन में, जो सबसे पहली बात है। तो एसी लाइन में तो इस तरह से कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपना जो स्विच बोर्ड है आपको प्लग में लगा दीजिए, अपना सॉकेट में जो भी है वहां से एक्सटेंशन बोर्ड आप इस टाइप का कुछ ले लीजिए। उसके बाद आपका ऐसे टाइप का टेस्टर ले लीजिए और इसमें आपको टेस्ट करिए दोनों पिन में, ठीक है, दोनों पिन में टेस्ट करिए और उसके बाद आपको स्विच को ऑन कीजिए। एक बार दोस्तों यहाँ पे टेस्टर ग्लो कर रहा है, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली पिन में हमारा टेस्टर यहाँ पे ग्लो कर रहा है, यानी कि ये हमारा फेज लाइन है और ये हमारा न्यूट्रल लाइन है। तो इस तरह से आप अपना जो फेज है न्यूट्रल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना झालर को इस तरह से ओपन कर लीजिए, जहाँ पे आपका एसी लाइन का जो स्लैज आता है उस वाली पिन को आप क्या करें बोर्ड में लगाकर चेक कीजिए एलईडी लाइट है वो ग्लो कर रहा है नहीं। आप देखो दोस्तों यह पूरी की पूरी डेड पड़ी हुई है, यहाँ पे ग्लो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ये पता चल गया। आप अपना जितना भी झालर लाइट है उसको आप ले लीजिए, तो जो आपका डेड पड़ी हुई है उतना सब जितना भी है आपके पास वो सब ले लीजिए। अब क्या करना है, अब उसके बाद आपको कुछ इस तरह से एक होल्डर लेनी है जो कि नॉर्मल होल्डर होती है। उसके बाद आपका दो वायर ऐसे ले लीजिए, इस टाइप का कुछ बना लीजिए आप, जो कि आपको आसानी होगा टेस्ट करने के लिए। कुछ सिंपल सा है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों सिंपल कुछ नहीं है, बस होल्डर में इसका वायर कनेक्ट हुआ है, बस इस तरह से आप एक घर पर भी रेडी कर सकते हैं। 0.5 वाट की एलईडी आपको यहाँ पे लेनी है। ऐसे लगाने के बाद आपको ये जो रेड एंड ब्लैक कलर की पर्पल की वायर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट करके इसको फ्यूज लगाकर चेक करनी है। ठीक है दोस्तों, ये ग्लो कर रहा है, ये बल्ब भी सही है, ठीक है, और हमारा ये झालर खराब है। तो अब आते हैं मेन, इस तरह से आपको टेस्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे आपका पावर सप्लाई जाता है, जो कि जनरेटर में यहाँ पे प्लास्टिक का बॉक्स लगाया हूँ, तो आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर में आपको 4 डायोड का ब्रिज मिलेगा और एक पीएफ मिलेगा, किस किसी में आपको पीएफ भी नहीं मिलेगा। और मैं भी बता भी चुका हूँ कि अगर आप एक झालर लाइट बनाना चाहते हैं तो पीएफ भी दरकार भी नहीं है, एक 4 डायोड का ब्रिज एक्टिवेटर आपको बनाना है और एक 39K का रेजिस्टेंस लगाना है। अगर नहीं मिलता है तो दो रेजिस्टेंस को आप अपने सीरीज में कनेक्ट करके आप इस तरह से 39K का बना सकते हैं, 40K जो भी है बना के आप झालर को 30, 35, 40 एलईडी को भी जला सकते हैं। तो इसको भी आप ओपन कर दीजिए इस तरह से। ओपन करने के बाद आप अपना सेफ्टी पहले ध्यान दे दीजिए, आप प्लास्टिक का कुछ भी चीज या लकड़ी का कुछ भी चीज अपना पैर के नीचे रख दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का भी चांसेस है। मैं यहाँ पे रखता हूँ आपको दिखाने के लिए, बल्ब ग्लो करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो आपने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो है सॉकेट है वो आपका न्यूट्रल है, तो उसमें से क्या करना है, ये ब्लैक कलर की वायर को लगा देनी है। एक बार इसको चेक कर देनी है कि ठीक से ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको इस वाली जो टेस्टर वाली वायर को आप इस तरह से ले लीजिए यहाँ पे अपना हाथ में, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक बल्ब है और यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एक प्लग का आपको लेना है,
और यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। जो एलईडी का जो सीरीज लाइट है जो की है उसकी जो मेन पावर है लीड है आपको जो फेज लाइन में इसको कनेक्ट कर देनी है। कनेक्ट करने के बाद इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो करेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हिल जा रहा है थोड़ा, यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब यानी कि यहाँ का वायर आपका सही है। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरी वाली वायर को आपको लगानी है बस इस तरह से और उसको चेक करनी है, स्विच मारेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, तो आपने देख लिया कि यहाँ तक आपका वायर ठीक है और यहाँ तक आगे का भी सप्लाई जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको क्लोज कर देनी है। क्लोज करने के बाद आपको सीरीज लाइन में आ जानी है। सीरीज लाइन में आप देख पाएंगे एक लाइन आपका गया हुआ एलईडी के होते हुए गया हुआ और एक लाइन आपका डायरेक्ट चला गया हुआ एलईडी सीरीज के जो लास्ट वाली पिन में, लास्ट वाली बॉल में वो लगा हुआ। कुछ कुछ सीरीज लाइन में क्या होता है कि आपकी जो न्यूट्रल या फेज जो भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लाइन कर सकता है इसमें, तो उसको आप चेक करना है कि जो यहाँ से आपका लास्ट तक जो वायर गया है वो आपका सही है कि नहीं, क्योंकि बीच में वो वाला वायर खराब हो जाता है। बीच बीच में बहुत सारे ज्वाइंट रहने की वजह से भी वो भी खराब होने से वजह से भी आपका सीरीज बंद पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है ग्रीन कलर का वायर जो कि यहाँ से कलरिंग होते हुए यहाँ पे ब्लू कलर तक पहुंचा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बीच बीच में बहुत सारे ज्वाइंट पड़ी हुई है। जैसे यहाँ से ग्रीन होते हुए फिर येलो पे कनेक्ट हो गया, फिर इस तरह से कुछ आगे जाते जाते कुछ अलग कलर हो गया, उसके बाद लाते जाते फिर यहाँ पे ब्लू कलर हो गया। तो इस वाली भी सीरीज लाइट भी आपके पास आ सकती है कि होगा भी, क्या आपकी जो वायर खराब हो गया होगा तो आपने इस तरह से कुछ जॉइंट भी किए होंगे। और जहाँ पे आप ग्रीन का वायर यहाँ पे कनेक्ट है उसको आप क्या करना है, थोड़ा सा लूज कर देंगे यहाँ पे आपका ये वाली टेस्टर जो आराम से उसके अंदर में जा सके, ठीक है। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, वही मेथड है। देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अपने वायर का मैं कोई छिड़कानी नहीं किया हूँ, वायर वैसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने चालू किया, देखो दोस्तों यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, थोड़ा सा हल्का ग्लो कर रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कलर की रिफ्लेक्शन आ रही है, यानी कि यहाँ पर कोई पे चीज में खराबी है जिसके वजह से पॉजिटिव नेगेटिव में आपका सप्लाई नहीं आ पा रहा है। सो फ्रेंड्स अब हम आपको एक एक करके एलईडी को चेक करते हुए जाना है। तो एक एक एलईडी को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे रिफिल लगाया तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूँ। पीछे करने के बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने वायर को खींच लिया, यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे एलईडी थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, लेकिन यहाँ तक यहाँ का लाइन आ रहा है। इसके फिर आगे चलते हैं, ऐसे करके हम दो तीन चार एलईडी हम ऐसे छोड़ के चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ वाला ये एलईडी है तो इसमें चेक करेंगे हम। देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे अगर एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रहा है यानी कि यहाँ तक लाइन आ रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा फिर आगे जाएंगे, जैसे यहाँ तक आ गए हम इस वाले एलईडी को, इस वाले एलईडी को हम चेक करेंगे। देख पा रहे दोस्तों यहाँ तक एलईडी, तो बाकी एलईडी जो है ये वाले तो खराब एलईडी है का, और यहाँ का जितना भी चेक कर दें ये सही एलईडी है। और यहाँ का आप देख पाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एलईडी ग्लो कर रही है, यहाँ पे रेड कलर एलईडी ग्लो कर रही है, जो एलईडी जो स्विच कलर की है वो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे ग्लो कर रही है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके आगे जाएंगे, इस तरह से आपको चेक करते हुए जाना है सब एलईडी को, कहीं पे भी तो फॉल्ट है जो की वजह से आपका जो सीरीज लाइट है वो आपकी बंद पड़ी है, उसको हम निकालेंगे। यहाँ तक आ गए, यहाँ पे ग्लो कर रही है यानी कि यहाँ तक सही है। फिर आगे चल देंगे, इस तरह से चेक करते हुए आगे चलेंगे। आगे देखो दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक अभी आ रहा है पावर सप्लाई, आपका एलईडी ग्लो करेगा हल्का सा, ये वाले भी कलर ग्लो करेगा इस तरह से। फिर इसको बंद कर देना है। फिर इस तरह से आप अपना ये जो 0.5 वाट की एलईडी है उससे आप अपना सीरीज लैंप को टेस्ट करके यहाँ का फॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके जगह पे मैं अगर 9 वाट का भी एलईडी लगाता हूँ तो सेम ही काम होगा, आपको दिखा दूंगा। ये वाले जो एलईडी मैंने लगाया है इसमें, ठीक है, आप एलईडी जो भी है 10 वाट के नीचे एलईडी से भी आप अपना टेस्टर बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक किया था ये वाली लाइट को, तो इसको मैंने पीछे किया, अब चेक करूंगा। देख पा रहे दोस्तों इसमें ज्यादा लाइट ग्लो कर रहा है, उसमें कम लाइट ग्लो कर रहा है, इसमें ज्यादा लाइट ग्लो कर रहा है, लेकिन आपका सीरीज लैंप जल रहा है, खराब नहीं हो रहा है, किसी भी बल्ब आपका खराब नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो आप इस वाली 9 वाट की एलईडी से भी आप चेक कर सकते हैं। आपके मन में जो डाउट था कि किसमें आप टेस्ट करेंगे किसमें नहीं करेंगे, तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया। तो आगे भी चलते हैं, कहीं पे तो फॉल्ट है उसको निकालेंगे और हमारा सीरीज लैंप को ग्लो करके ही दिखाएंगे। देख पा रहे दोस्तों यहाँ तक का एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, हमारा सीरीज लैंप ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन यानी कि यहाँ से आगे का एक एलईडी आपका खराब है। तो चलेंगे थोड़ा सा पीछे, इस वाली एलईडी को चेक करते हैं, इस वाली एलईडी में क्या फॉल्ट है, यहाँ तक का लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख पा रहे दोस्तों यहाँ तक अभी लाइन सप्लाई नहीं आ रहा है। इस वाली एलईडी को भी चेक करेंगे, तो इस वाली एलईडी में कहीं पे फॉल्ट हो सकता है। देख पा रहे दोस्तों यहाँ तक का लाइन आ रहा है, यहाँ तक अभी लाइट आ रहा है। और आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ तक अभी लाइन आ रहा है, ठीक है। और आगे चलते हैं इस वाली एलईडी को, इस वाली एलईडी में चेक करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ तक का लाइन नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ का वायर में कहीं पे गड़बड़ है। जैसे कि यहाँ पे चेक किए, यहाँ तक का लाइन आ रहा है, और इस वाली लैंप का यहाँ पे कनेक्शन है, इसमें आउटपुट है। देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ तक का नहीं आ रहा है लाइन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये वायर है यहीं पे कहीं पे खराब है इस वाली वायर में, पहले इस वाली वायर को हम चेंज करेंगे। इस तरह से आप अपना भी फॉल्ट निकाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों इस वाली वायर को हम चेंज कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स मैंने क्या किया हूँ देख पा रहे हैं यहाँ का मैंने एक सीरीज को जो एलईडी है उसका एक लेग यहाँ पे निकाल चुका हूँ बाहर की तरफ पर दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लेग इसका बाहर निकाल दिया हूँ और इस वाली एलईडी का भी ये वाली जो है सप्लाई आगे की जो आ रहा है इसको यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला हूँ। और इसमें ध्यान रखिए आपका जो एसी सप्लाई है वो आपका ऑफ रहना चाहिए बोर्ड में, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया इस तरह से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने चालू कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सप्लाई बन रहा है आगे चल रहा है और उसके बाद क्या करना है और एक फॉल्ट निकालने के बाद आपको एक बार इसको भी चेक करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई सप्लाई भी फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है यहाँ तक फिर भी सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ तक सप्लाई आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है, फिर भी कहीं पे और आगे भी फॉल्ट है, तो इसके लिए भी और आगे चलना है आपको चेक करते हुए। सो फ्रेंड्स जहाँ पे चेक करते करते पता चला कि जहाँ पे हमारा जो एलईडी है जो सीरीज देख पा रहे हैं जैसे कि ये वाली लाइट खराब हो गई थी ठीक उसके बगल में उसके आगे वाला एलईडी में ये भी वायर टूट चुकी थी जिसके वजह से यहाँ का पूरी की पूरी सीरीज लाइट बंद पड़ी है। तो मैं आपको जला के दिखा देता हूँ कि इसके बाद किस तरह से ये जलता है। पावर दिया तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट ग्लो कर रही है और उसके बाद यहाँ भी चेक करेंगे सारा एलईडी ग्लो कर रही है और उसके बाद ये वाले जो पॉइंट छोड़े गए थे हम इसको भी हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सारा एलईडी ग्लो कर रहा है। और अगर मैं इस वाली 9 वाट की एलईडी को मैं रिप्लेस करके इसके अलावा ये छोटी वाली एलईडी जो पहले लगाया था उसको भी अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो वही टाइप का भी हमको फॉल्ट मालूम पड़ेगा। यहाँ पे स्विच दिया तो देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉल्ट भी इस तरह से मालूम पड़ेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका कितना वाट का एलईडी है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप ये वाली एलईडी लगाएंगे तो लाइट इसका काम होगा इसका पर वही चेकिंग होगा आपका कोई भी एलईडी खराब नहीं होगा और 9 वाट का भी लगाएंगे उसका लाइट ज्यादा होगा पर आपका एलईडी सीरीज का कोई भी लाइट भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपना एलईडी धारा का रिपेयर कर सकते हैं फॉल्ट निकाल सकते हैं। सारा एलईडी में ग्लो कर रहा है बीच बीच में जो जो मैंने निकाला हूँ फॉल्ट उसको मैं वापस में जोड़ दूंगा। अगर मैं इसको भी डायरेक्ट यहाँ पे एसी सप्लाई पे देता हूँ डायरेक्ट तो देख पा रहे हैं दोस्तों एसी सप्लाई में ये लाइट पूरी तरह से ग्लो कर रही है जिस तरह से पहले काम करती थी। तो इस तरह से आप अपने घर पे भी अपना एलईडी झालर को रिपेयर कर सकते हैं बस इस एलईडी के मदद से आप एलईडी बल्ब का भी यूज करके अपना एलईडी झालर को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं तो वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बेल को अगर ऑल में सेट नहीं किया तो अभी कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह से नया क्रिएटिविटी नया आइडिया का वीडियो आपको डालता रहता हूं और सबसे पहले पहुंच जाएगा मेरा वीडियो। तो सबसे उसके लिए आपको क्या करना है नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट करके रखना है, तो अभी से जाकर और बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेट कर लीजिए। तो मिलता हूं दोस्तों एक नया वीडियो में, जाते के लिए जय हिंद दोस्तों।